डायनामिक्स में हमने इससे पहले SHM का जो आर्टिकल था, सिंपल हार्मोनिक मोशन का आर्टिकल हमने पढ़ा था। आज हम उसमें कुछ डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स करते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? द पॉइंट ओ टुवर्ड्स विच द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मोशन। कि वो पॉइंट जिसकी तरफ आपका पॉइंट ये है ओ, और ये आपका जो पार्टिकल था इस पॉइंट के ऊपर फिक्स उस रेस्ट पोजीशन में था, और आपका पार्टिकल एक्सेलरेशन, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो किसकी तरफ आ रहा है? फिक्स पॉइंट की तरफ। तो आपका ओ जो है वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ द मोशन और मीन पोजीशन। सेंटर ऑफ द मोशन एंड मीन पोजीशन, ओके। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड द पोजिशन ऑफ रेस्ट ए। मैक्सिमम आपका मेन पोजिशन क्या है पॉइंट की? ये है। इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, जहाँ पे भी आपका पार्टिकल है और वो एक सेकंड के लिए रेस्ट पोजिशन में था और आपका इधर मूव कर रहा है, तो एक सेकंड में जब ये यहाँ पे एक इवेंट इसको लगा रेस्ट पोजिशन में, तो जहाँ पे भी रुका है उस पोजिशन से और इसकी जो मेन पोजीशंस हैं उन दोनों के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हमारे के लिए क्या कहलाएगी? इसके लिए सिंपल एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। और एम्पलीट्यूड जो है वो हम किससे, इस डिस्टेंस को हमने किससे लिया है? स्मॉल ए से लिया है। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा इसमें? ए होगा आपका, ठीक है। अब आता है पीरियडिक मोशन। ए पॉइंट इज सेट टू हैव ए पीरियडिक मोशन। आप एक पॉइंट को कह सकते हैं कि पीरियडिक मोशन में है, व्हेन इट मूव इन सच ए वे, कि वो इस टाइप से मूव करे दैट आफ्टर ए सर्टेन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इट ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम एक्सेलरेशन एंड विद द सेम वेलोसिटी। पीरियडिक टाइम, कि आपके पास जो भी पार्टिकल दे रखा है हम क्या कहेंगे उसके लिए कोई फिक्स पॉइंट है। पॉइंट इज सेट टू हैव ए पीरियडिक मोशन में कहेंगे, पीरियडिक मोशन में, व्हेन इट मूव इन सच ए वे, कि वो इस टाइप से मूव करे कि सर्टेन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, पॉइंट टाइम के फिक्स इंटरवल में इट ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन, सेम पोजिशन को ऑक्यूपाई करे वो एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, सेम एक्सेलरेशन के साथ और सेम वेलोसिटी के साथ। तो वो जो टाइम पीरियड है वो हमारा पीरियडिक मोशन होगा उस पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, कि कितने कंप्लीट एक सेकंड में किसी पार्टिकल ने कितने पार्टिकल में कितने मोशन, वो रोटेशन लिए है, ठीक है ना। तो वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। कि एक सेकंड में सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ किसी पार्टिकल ने कितने टर्न लिए हैं, कितने राउंड लिए हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। एंड टी डॉट्स द फ्रीक्वेंसी एंड टी वी द पीरियडिक टाइम, और टी हम पीरियडिक टाइम निकालते हैं, टी 1/T इज इक्वल टू √μ/2π, ठीक है, √μ/2π। और इस चीज़ को हम लिखते हैं, अगर टी की वैल्यू निकालेंगे आपके पास टी की वैल्यू निकलेगी तो 2π/√μ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने सिर्फ 2-3 चीज़ें ही पढ़ी है, एक तो पीरियडिक टाइम पढ़ा है और एक आपने एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट किया? ए से डिनोट किया है। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास यही चीज़ें लगने वाली हैं। दूसरी हमने जो डिस्टेंस निकाली थी एक्स, वो आपका वेलोसिटी, ठीक है ना, वो वाली चीज़ें। तो द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूव विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 यूनिट पर सेकेंड। कि मैक्सिमम वेलोसिटी, एक बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? 2 यूनिट पर सेकेंड। एंड इट्स पीरियड इज, और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1/5 सेकेंड। व्हाट इज़ द इट्स एम्पलीट्यूड? आपको क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड निकालना है,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है, मैक्सिमम वेलोसिटी में पहले बता चुकी हूँ आपको, और एक पीरियडिक टाइम दे रखा है, और आपको निकालना क्या है, एम्पलीट्यूड निकालना है। तो म्यू हमने क्या ले लिया, इंटेंसिटी ले ली, और ए वी द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी। ए हमने बॉडी का एम्पलीट्यूड ले लिया कि जिस सिंपल हार्मोनिक मोशन से वो मूव करती है। आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी क्या दे रखी है, रूट म्यू ए दे रखी है, मतलब इसमें 2 यूनिट पर सेकंड दे रखी है, और हम उसको क्या मानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, रूट म्यू ए, मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास पीरियडिक टाइम भी दे रखा है, पीरियडिक टाइम क्या दे रखा है, 1/5 सेकंड। तो 1/5 सेकंड, देखो पीरियडिक टाइम हमारा क्या था, टी 2π/√μ रूट म्यू था, तो टी इज इक्वल टू 2π/√μ और 1/5 रख दिए हमने। यहाँ से सोल्व किया इसको, रूट म्यू की वैल्यू उठा के इसमें डाल दी, ठीक है। डालने के बाद ए की वैल्यू क्या आई आपके पास, 1/5π आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ से चीज़ों को ये पकड़ना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ पूछने की कोशिश कर रहा है और क्या हमारे पास गिवन है। शो दैट द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रिक्वायर्ड 1/6 ऑफ इट्स पीरियड। हमें ये शो करना है कि कोई भी पार्टिकल है वो उसका टाइम पीरियड जो है वो कितना है, 1/6 ऑफ इस पीरियडिक टाइम टू मोर फ्रॉम द पोजिशन, टू मोर फ्रॉम द पोजिशन जो कि अपनी पोजिशन से ज़्यादा है, ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू 1 इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड। और क्या इसने पोजिशन कहाँ बताई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू 1 इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, ओके। अब हमें क्या नहीं पता, हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो हमने डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी मान ली, एक्स मान ली। इसने कहा कि एम्पलीट्यूड जो है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड का क्या है, हाफ है। तो सिंस डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू बी 1/2 times ऑफ किसका, एम्पलीट्यूड, तो हमने एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया, 2। अब हमें पता है कि आप डिस्टेंस कैसे लेते हो, एक्स इज इक्वल टू ए कोस रूट म्यू टी लेते हो ना, ले लिया। इन दोनों में वैल्यू इक्वेट की, इक्वेट करने के बाद हमारे पास ए से ए कैंसिल हो गया, 1/2 क्या लिख सकते हो, कोस π/3 लिख सकते हो, और कोस रूट म्यू टी आपके पास कोस से कोस कैंसिल, तो हमने टी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इससे क्या लिख सकते हो, 2π से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड, क्योंकि इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि सिंपल जो पीरियडिक जो टाइम है वो 1/6 हो, ठीक है ना, जो टाइम लिया गया है वो पीरियडिक का टाइम का 1/6 हो। तो 1/6 बनाने के लिए तो हम इसको क्या लिख सकते हो, कैपिटल टी लिख सकते हैं ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए हॉरिजॉन्टल स्लैब इज मूव अप एंड डाउन विद SMH SHM ऑफ पीरियड 1 सेकेंड। कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्लैब है, वो अप और डाउन होता जा रहा है, ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, और पीरियड कितना ले रहा है टाइम, 1 सेकेंड। वट इज़ द एम्पलीट्यूड एडमिसिबल इन ऑर्डर दैट ए वेट प्लेस ऑन द स्लैब मे नॉट बी जर्कड ऑफ। क्या कह रहा है कि आपके पास दे रखा है हॉरिजॉन्टल जो स्लैब है वो मूव कर रहा है अप एंड डाउन पोजिशन में, और सिंपल हार्मोनिक जो मोशन लग रहा है उसका पीरियड कितना है, 1 सेकेंड है। वट इज़ द एम्पलीट्यूड, हमें एम्पलीट्यूड निकालना है इन ऑर्डर दैट कि वेट प्लेस ऑन द स्लैब मे नॉट बी जर्कड ऑफ, कि आपका वेट जो है वो ज़्यादा ना हो। ए हमने क्या ले लिया, रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड ले लिया, पीरियडिक टाइम जैसे कि इसने दिया है, तो पीरियडिक टाइम क्या है, 1 सेकेंड दे रखा है, तो हम भी इसको क्या मान लेंगे, 1 सेकेंड मान लें, ओके। पीरियडिक टाइम हम अपनी तरफ से कैसे निकालते हैं, 2π/√μ रूट म्यू निकालते हैं, ठीक है, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और रूट म्यू की वैल्यू निकाल ली, म्यू की वैल्यू आ गई। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, म्यू निकालते हो, तो हमने इसमें ए की वैल्यू डाल दी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, जी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, तो जी इज इक्वल टू हमने लिए 4π² a,
और a इज इक्वल टू g अपॉन में 4 पाई स्क्वायर. ओके थैंक्स सॉरी टू डिस्टर्ब.